हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ मेरे जीवन का एक बहुत ही मूल्यवान अनुभव से सीखा हुआ लेसन शेयर करूँगा। वो दिन था रविवार की दोपहर। मैं अपने घर का बैल्कनी पर खड़ा था। हमारा घर मेन रोड पर है। रविवार को सड़क लगभग सुनसान थी। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अचानक मैंने एक पागल आदमी को देखा। वो पागल हमारे लोकलिटी पर घूमता रहता है। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। उसके पास 5 रुपए में बिस्कुट का एक पैकेट था। अचानक एक कुत्ता दिखाई दिया। जब वो पागल आदमी बिस्कुट खाने ही वाला था, पागल आदमी के हाथ में बिस्कुट का पैकेट देखकर वो कुत्ता भौं भौं करने लगा और खुशी से अपना पूंछ हिलाने लगा। मामले ने मुझे बहुत उत्सुक बना दिया। मैं ये पता लगाने के लिए उत्सुक था कि पागल आदमी कुत्ते को क्या रिएक्शन देगा, क्योंकि आदमी खुद ठीक से खाना नहीं खा पाता था। लोग साधारण भिखारी को भी भिक्षा देते हैं, लेकिन पागल होने के कारण इस आदमी के पास कोई नहीं भटकता। भिक्षा देना तो दूर की बात है। इसी तरह एक व्यक्ति से शायद उसे बिस्कुट पैकेट मिल गया था। ये आदमी सड़क के किनारे कूड़े के ढेर से सड़ा हुआ खाना खाता है। पागल आदमी ने कुत्ते को बिस्कुट के पैकेट से कुछ बिस्कुट दे दिया। ये देखकर ज्ञान की मेरी आंखें खुल गई। मैं मानो पागल आदमी का दिमाग पढ़ सकता था। वो शायद कुत्ते को कह रहा था मनी मन, भले ही मैं इंसान हूं, लेकिन मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह ही है। मैंने सोचा कि हमने उस आदमी की कितनी उपेक्षा की है। हम उस आदमी के करीब कभी नहीं गए। हम में से कुछ उस आदमी पर पत्थर भी फेंके, लेकिन उस आदमी ने आज कुछ ऐसा किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मादर टेरेसा वॉज राइट, पुअर पीपल आर ग्रेट पीपल।